हेलो गाइस, आप जानते हैं जो मॉर्फो अपडेट आया है मार्केट में, जो ये मॉर्फो अपडेट आने के लिए बहुत सारा कंप्यूटर में लैपटॉप में मॉर्फो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको जो सजेशन है, हमारा भी कंप्यूटर में लैपटॉप अपडेट नहीं है और हमारा भी कंप्यूटर में मॉर्फो अपडेट नहीं है, तो इसको हम अपडेट करूँ क्या, इससे पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ये हम शुरू करते है। पहले आपको डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करो, वेबसाइट का ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मॉर्फो लिखो, मॉर्फो अड्डी सर्विस, इसको लिखने के बाद इसको मेन वेबसाइट में आइए, ओनली मेन वेबसाइट, ये मेन वेबसाइट में है। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी जगह से आपको नहीं जाना होगा, डायरेक्ट मेन वेबसाइट में आइए और पुराना जो डाटाबेस है, पुराना जो मॉर्फो आपको अंदर में है, हमारा विंडोज 11 है, हम इसी के लिए हम यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग में ऑप्शन, सेटिंग में ऑप्शन एप्स फाइल, और एप्स फाइल के अंदर एप्स प्रोडक्शन में, हमारा ये प्रोडक्शन में रहता है, तो हम यहाँ से पूरा डिलीट कर दिया, तो आपको वाला भी ओल्ड जो डाटाबेस आपको अंदर में रहता है वो भी आप डिलीट कर दीजिए, मतलब पहली वाला जो इंस्टॉल कर रखा है ना आपका कंप्यूटर में, वो आप डिलीट कर दीजिए, यह बस देख कर डिलीट कीजिए। हम ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, पुराना डाटाबेस हमारे अंदर में नहीं है, दूसरा बार भी हम वेरीफाई कर रहा है। चलिए कोई भी पुराना डाटाबेस देखो नहीं है, ये पूरा क्लीन, तो पहले क्लीन कर लेना, क्लीन करने के बाद एक बार ही आपको विड्रॉल सक्सेस हो जाएगा डाटाबेस, मतलब आपको जो आरडी सर्विस लगाऊंगा वो एक बार ही सक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये पूरा कट रहा हूँ, ये मेन फाइल में आना है, ये डाउनलोड ऑप्शन में आने के बाद देखो ऊपर एंड्रॉइड और इसके नीचे में विंडोज HTTP जो ऑप्शन है ना, विंडोज HTTP, इसको ऊपर मैं क्लिक करूँ, अरे डायरेक्ट कॉर्नर में डाउनलोड हो रहा है, तो थोड़ा आपको विंडोज 10, 11, 12 जो वर्सन है, 7, 8, 4, 3 जो वर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या, आपको जो मॉर्फो है वो मॉर्फो कंप्यूटर में नहीं लगाना होगा, छोड़ कर दीजिए, तो छोड़ने के बाद आपको डाउनलोड हो रहा है, हम पूरा वीडियो दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए, अभी हम लाइव कर रहे हैं, लाइव भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड होने के बाद राइट क्लिक कर रहा हूँ, शो फाइल, एंड आपको ये फाइल हम स्टक हेयर कर लेता हूं, जो ये फाइल के अंदर हमारा जाना होगा, तो ये भी अब ये आया है विंडोज आरडी सर्विस। इसको ऊपर में आने के बाद ऊपर में टेस्टिंग फाइल रहता है, नीचे में आरडी सर्विस, तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा, और वेट करने के बाद आपको ये अपडेट हो रहा है, तो अपडेट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा रुक जाइए, ये ऑटोमेटिकली चलेगा, ठीक है। और आपको मॉर्फो जो मैसिंग है ना, वो आपको कंप्यूटर से खुलकर रखो, साइट में रख दीजिए, अभी नहीं लगाना होगा, पहले इसको इंस्टॉल होने दीजिए आरडी सर्विस, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद जो चीज आपको दिखाई देगा, ये यस एंड रिसेट कंप्यूटर नाउ, यस एंड रिसेट कंप्यूटर नाउ लिख कर आ रहा है, आपको रिसेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम रिसेट कर दे रहा हूं, चलिए रिसेट फिनिश कर रहा हूं, तो हम रिसेट नहीं किया, तो देख रहा हूं जो होगा का नहीं होगा, एक बार देखने दीजिए, ठीक है। चलिए देखो ये जला है ऑलरेडी, हम रिसेट नहीं किया तो भी जल रहा है, तो हम इसको क्या एक बार सबमिट कर रहा हूं, बैलेंस इंक्वायरी कर रहा है, आप रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट नहीं कर रहा है तो भी होगा, देखो यहाँ पर आपको बैलेंस शो कर रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर दिखाई देगा, हम ऑलरेडी चेकिंग कर रहे हैं, लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है थोड़ा सा रुकिए, हम आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये NPCI दिखाई दे रहा है, आफ्टर NPCI टाइम आउट रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, ये अभी NPCI का सर्वर डाउन चल रहा है, हम दूसरा बैंक पर एक बार ट्राई देखूंगा, हम ऑलरेडी दूसरा जो बैंक है वो दूसरा बैंक में हम एक बार चेकिंग कर रहा हूँ, स्टेट बैंक, तो ये जो NPCI दिखाएगा ना, इसको हमारा भी हाथ नहीं होता है, ठीक है, एक सेकंड में भी उसको चेंज हो सकता है, उसको आ सकता है। चलिए हम फिंगरप्रिंट दिया है, देने के बाद हम सबमिट किया, कुछ कुछ टाइम क्या होता है, आपको सर्वर बहुत स्लो होता है, इसी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो NPCI मतलब ये पूरा आपको ऊपर, हम स्टेट बैंक भी ट्राई किया तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये क्लियर है, अभी काम स्टार्ट होगा, चलो ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो हमारा सपोर्ट नंबर भी है, अभी वो ट्राई कर सकते हैं। हम कहां से किया, डाउनलोड ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन विंडोज HTTP, ठीक है, थैंक यू।